Good morning everyone. Welcome to the official of our 24th 7 regulatory bodies and as so my name is amanjot and I am here with all of you to discuss the live mean newspaper analysis for today's that is your 10th of October. So going to discuss 10th of October live mean newspaper analysis. Okay. So before starting the session, let me know audio is okay and the PPT is also visible. Are we good to go? Let me know. Jaldi is audio and video both are okay. Are we good to go? so today i am not at the uh, office i am not at the home so this is how we are going to interact today aaj aise i interact karne wale with the ppt and the audio will be okay So let's start the session session ko start karte hain uh, the first uh, information for all of you that if you have not downloaded the twenty four seven application yet, then do download the application and start practicing questions as much as you can. जितने questions को आप practice कर सकते हो उतने questions को practice करना start करो because this is the only option for quant reasoning and English जिसके through आप अपना score बेहतर कर सकते हो अपना result बेहतर कर सकते हो ठीक है चलिए second अगर हम बात करें If you have not subscribed the channel, I don't need regulatory bodies and so. ट दे चैनल एंड प्रेस द बेलन ताकि सभी अपमिंग सेशन की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे एंड वन मोर इनफॉर्मेशन एज वी हैव ऑलरेडी टेकन द सेशन ऑन दैट ऑलरेडी से चुके हैं जहाँ पे हमने बात करी थी कि किस तरीके से आपका यूट्यूब का शेड्यूलो चेंज होने वाला है तो योर यूट्यूब शेड्यूल इज गोइंग टू चेंज फ्राम टूडे ओनली तो एट फिफ्टीन वाला लाइव मीड न्यूज फेनलिस था वो शिफ्ट हो चुका है एट थर्टी पे ठीक है वी है एवरी डे मंडे टू सैटरडेप रहेगाट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके ऑन नॉट जल्दी से बता दीजिए सेक्शन के अंदर दिस इज गिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इंट्रैक्ट बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अर्यर ऑल्सोट एट द होम आई एम नॉट एट द ऑफिस दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इंट्रैक्ट टूडे तो गुड मॉर्निंग अमीशा हाउ आई यू तो एवरी थिंग इज ओके वी आर गुड टू गो ना चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट न्यूज दैट इज टू डे ग्लोबल सीईओ एक्सपेक्ट रिसेशन टू बी माइल्ड दैट हैज बिन सेट कि ग्लोबल सीईओ जो है उनका कहना है कि इन्फ्लेशन जो है दैट विल बी माइल्ड क्या रहेगा माइल्ड रहेगा रिसेशन दैट विल बी माइल्ड तो वट इज रिसेशन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिसेशन क्या होता है तो वेन वी टॉक अबाउट द रिशन रिसेशन इज सिंपली मीन्स कि आपकी कंट्री वेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन द कंट्री और द ग्लोबल लेवल वैन द कॉरपोरेट्स अर्निंग स्टार्टेड डिक्लाइनिंग जब आपके कारपोरेट्स का अर्निंग जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देता है बिकॉज ऑफ दैट द कॉरपोरेट स्टार्टेड अनएम्प्लॉयमेंट लाइक कंपनी पैसा नहीं कमा रही है तो कंपनी लोगों को नौकरी से निकाल देती है एंड बिकॉज ऑफ दैट लोगों का जो वेजेस है इनकम है वो कम हो जाता है ये सिचुएशन आपका कहलाता है रिसेशन का तो रिसेशन इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे कंपनीज की अर्निंग पर असर होता है अर्निंग कम होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से आपके वेजेस कम हो जाते हैं तो ऑल कैन से आपका डिमांड यहाँ पे कम हो जाएगा डिमांड कम है तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन आप कम कर दोगे प्रोडक्शन कम होने का मतलब जी आपका कम होगा और जी कम होने का मतलब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा so, तो इफ़ यू टॉक अबाउट द रिसशन डेफिनेशन तो वीकेंड सिंपली से जब दो क्वार्टर्स तक कंटिन्यूसली दो क्वार्टर्स तक आपकी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज और जीडीपी जो है वो गिरता जाता है तो दैट कन्वर्ट इनटू टू जी डी अगर दो क्वार्टर्स तक आपकी कंट्री में जीडीपी गिर रहा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें रिसेशन में कन्वर्ट हो जाएगा दिस इज व्हाट द रिसेशन इज इसकी शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है कंपनीज की अर्निंग गिरने से कंपनीज की अर्निंग गिरती है लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है पैसा कम होता है डिमांड कम होता है एंड कंटिन्यूसली आपको रिसेशन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो अभी हमने पढ़ा था 2023 में वर्ल्ड बैंक का कहना है वर्ल्ड बिगेस्ट रिसेशन गोइंग टू बी देयर कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2023 फाइनेंशियल ईयर में वर्ल्ड्स बिगेस्ट

इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन वो inflation है जहा पे आपके प्राइजेस जीरो तो बढ़ते हैं इट मीनस अगर आपका इन्फ्लेशन आ भी रहा है तो मैक्सिमम थ्री परसेंट प्राइस राइज होगा तो ये हो गया ना माइल्ड हल्का फुल्का इन्फ्लेशन जिसको आप बोलते हो और वी कैन से अनलिमिटेड बहुत ही कम आपका रिसेशन रहेगा दैट विल बी नोन एज माइल्ड इन्फ्लेशन रिसेशन सॉरी ठीक है चलो बड़ा क्या कहा गया पे द रिपोर्ट ऑल्सो सेट दैट द एंटिसिपेटेड दिस रिसेशन लूमिंग लार्ज टू हिट ओवर द नेक्स्ट ईयर साथ ही में कहा गया नियरली 58 परसेंट ऑफ अबाउट 1300 ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एक्सपेक्ट दैट द रिसेशन टू बी माइल्ड एंड शॉर्ट अ सर्वे ऑफ के पी एम जी रिवेल्थ तो आपके 1300 जो ग्लोबल चीफ इकोनॉमिस्ट हैं चीफ सॉरी ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनमें से 58 परसेंट आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऐसे हैं, सीईओ ऐसे हैं जिनका कहना है कि रिसेशन जो आपका रहेगा, है ना हल्का फुल्का रहने वाला है नाउ नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे कहा गया सीईओ एंटिपेट कर रहे हैं दिस रिसेशन को दैट मिल बी लूमिंग लार्ज टू हिट ओवर द नेक्स्ट ईयर लीडर्स अब स्ट्रेटेजीज एंड आउटलुक ड्यूरिंग द सर्वे एज वी नो ऑबस बात है कि आपका जब ग्लोबल रिसेशन एक्सपेक्ट किया गया है एंड द बीन गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक तो इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली बाय ऑल द कंट्रीज स्टार्ट टेकिंग सर्टन स्ट्रैटी सर्टन स्ट्रेटीज जो आपके किसको कंट्रोल करने के लिए बनाई गई हो आपके रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए ठीक है तो दैट्स वॉट वी आर से लीडर से पूछा गया कि आपकी स्ट्रेटेजीज क्या है आउटलुक क्या है ड्यूरिंग द सर्वे So in the KPMG 2022 CEO outlook, 14% of senior executives identify a recession. 14% senior executives identify recession. Among the most pressing concern today, which is slightly up from 9% earlier 2022, pandemic fatigue tops the list with the 15%. तो यहाँ पे कहा गया है कि आपका के पी एमजी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू जो सीईओ आउटलुक हुआ था उसमें आइडेंटिफाई किया है ना ये बहुत, most pressing concern है आज के लिए और स्लाइडली फ्रॉम ये किससे नाइन परसेंट से अपजेंड ट्वेंटी अर्ली में साथ ही में आपका पैंडमिक फटीक जो था टॉप द लिस्ट ऑफ फिफ्टीन परसेंट ऑफ योर

86 में से 71 वन परसेंट के आसपास जो आपके सीईओ हैं उनका कहना है कि कंपनी के अर्निंग पे 10 परसेंट तक का इम्पैक्ट होगा कितने परसेंट तक का 10 परसेंट तक का सो so, नियरली 73 परसेंट ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटि बिलीव दैट अ रिसेशन विल डिसरप्ट एंटीसिपेटेड ग्रोथ आपका जो रिसेशन है ये डिसरप्ट करेगा आपकी ग्रोथ को ये खराब करेगा आपकी ग्रोथ को तो सेवेंटी सिक्स परसेंट हैव ऑलरेडी टेकन द प्रिकॉशनरी स्टेप्स अहेड ऑफ द लूमिंग रिसेशन और 76 परसेंट जिनका कहना है कि ये 10 परसेंट इम्पैक्ट करेगा आपकी कंपनी की अर्निंग के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी स्टेप लेना प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिया है ऑन द रिसेशन इट एडेड दैट डिस्पाइट रिशन सीनियर एग्जीक्यूटिव दैट इज एग्जी थ्री फील मार्केटली मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द रेजिलस ऑफ द इकोनॉमी ओवर द नेक्स्ट मंथ्स देन देन दैट दे डिड इन है ना सिक्सटी परसेंट फेब्रेरी में थे आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव

Over the next three years, up from 60% in the early, and nearly nine, 9 in ten, that is 85%, are confident about their organization's growth over the next three years. So, here, the leaders, 71% leaders, confidence that the global economy will growth in the next three years. Up from 60%, 60% to 71%, leaders are confident that the economy will see growth in the next three years. और उसमें से 85% परसेंट अराउंड जो आपके लोग हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन आने वाले साल में ग्रोथ करेगा। कंपनीज like जितनी भी बूम पे हैं अभी एक्सपेक्ट कि यार आने वाले तीन साल में तो हमारी इकोनॉमी बूम होने वाली है ठीक है चलिए सम ऑफ द सीईओ इन्वॉल्व इन द सर्वे आर मलेरिया डॉलर डेनक्रोज ऑफ द इंटर निकोला ड्रॉइंग ऑफ रिको यूरोप एलेक्सिस जॉर्ज ऑफ एपीएम टाके Kito of Fujitsu and TV Narendra of Tata Steel. So these are the certain CEOs that has participated in the survey and they have given their response. So tested by enormous challenges in the quick succession, a global pandemic inflationary pressure and geopolitical tension, it's encouraging that CEOs surveyed in our 2022 CEO Outlook were confident in their companies. रेजिलेंस एंड relatively optimistic in their own growth prospects said the Bill Thomas, the global chairman and CEO of KPMG. तो यहाँ पे कहा गया कि बहुत सारे नामरस चैलेंजेस जो में देखे गए हैं एक ग्लोबल पैंडेमिक सर्वे आपका 2020 ग्लोबल पैंडेमिक इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो आपका चल रहा है जीरो पॉलिटिकल टेंशन जो आपका चल रहा है बिटवीन दी कंट्रीज है ना यह एनकरेज करता है सीईओ को सर्वे करने में इन टू थाउजेंड आउटलुक में तो एवरी वन वी आर कॉन्फिडेंट इन दियर कंपनीज अपनी कंपनी में रेजिलेंस में कंपनी में रिलेटिवली ऑप्टिमिस्टिक हैं आशावादी हैं कि दैट वी आर गोइंग टू ग्रो इन द नेक्स्ट थ्री ईयर्स दैट हैड सेट बाय द ग्लोबल चेयरमैन एंड सी ई ऑफ के पी एम जी ठीक है इनका कहना है दिस इज वॉट वी हैव टू स्टडी कि आपका डोंट रिमेंबर द परसेंटेज एग्जैक्ट परसेंटेज याद नहीं रखोगे दैट इज सफिशेंट बट डू रिमेंबर सर्वे कौन किया है आपका के पी एम जी ने आपका सर्वे किया है एंड हाउ पर हाउ मच परसेंटेज ऑफ ग्लोबल लीडर्स या सीईओ का कहना है कि आपका रिसेशन जो है वो माइल्ड रहेगा ये आपको याद रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट पॉइंट न्यूज पे आई डी बी आई के ऊपर तो आई डी बी आई के ऊपर पहले भी हमने काफी बार डिस्कशन किया है आई डी बी आई इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इट यूज टू बी ये कहलाता था आपका डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेन इट वॉज डेवलप्ड जब इसको बनाया गया था इन द इयर 1964 इट यूज टू बोन एज द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1964 में ओके डू रिमेम्बर द नेम्स 1964 में ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहा था इन 2005 थाउजेंड फाइव आर बी आई चेंज इट टू द कमर्शियल बैंक इसमें चेंज किया कमर्शियल बट आफ्टर कमर्शियल इट इज़ स्टेड इन द पब्लिक सेक्टर क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फिफ्टी वन से ज़्यादा शेयर्स थे

आई डी बी आई बैंक बिडर्स नीड एम एच एस सिक्योरिटी क्लियरेंस इन फर्स्ट स्टेज ऑफ बिडिंग प्रोसेस ठीक है वॉट इज डिसमेंट देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इनवेस्टमेंट ये आप अपना प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वेन यू हैव एसेट जब आपके पास प्रॉपर्टी है और आप उस एसेट को कैश में कन्वर्ट करवा रहे हो यानी कि आप उसको बेचकर कैश ले रहे हो दैट इज नोन एज डिस इन्वेस्टमेंट और वही डिस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आई में एल करने वाले हैं यू कैन सी द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑन फ्राइडे सेट दैट दे विल टुगेदर डाइवेस्ट कितना परसेंट 60.72 पॉइंट सेवन टू परसेंट स्टेक इन आई बैंक दोनों मिलकर अपना 60.72 पॉइंट सेवन टू परसेंट जो अमाउंट है कैपिटल है शेयर होल्डिंग है उसको डाइवेस्ट कर देंगे तो डिसइनवेस्टमेंट मीन्स यू आर सेलिंग द शेयर्स आप बेच रहे हो अपनी एसेट को और कैश ले रहे हो ज डिस इन्वेस्टमेंट डिस इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके से होता है एक होता है आपका मेचोरिटी डिस इन्वेस्टमेंट ठीक है एक होता है आपका स्ट्रैटेजिक माइनॉरिटी डिस इन्वेस्टमेंट एंड वी हैव स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक को ही हम मेचोरिटी डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं सो so, माइनॉरिटी होता है जहां पे अप टू फोर्टी नाइन परसेंट तक के शेयर बेचे जा सकते हैं स्ट्रैटेजिक होता है जहां पे 51 और 51 से ज्यादा शेयर्स बेचे जाते हैं द स्ट्रैटेजिक डिसमेंट कन्वर्ट्स द प्राइवेटाइजेशन इट प्रमोट द प्राइवेटाइजेशन बिकॉज आप ओनरशिप बेच देते हो दैट इज डिस इन्वेस्टमेंट है ना तो दो टाइप के डिस इन्वेस्टमेंट होते हैं याद रखना चलिए अब यहाँ पे क्या कहा गया आई और एल और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर इंटरेस्टेड पार्टीज फॉर आई बैंक टू प्रोवाइड डिटेल फॉर सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ बिडिंग प्रोसेस तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि जितने भी इंटरेस्टिंग पार्टीज हैं जो आई डी बी आई के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं जो आई डी बी आई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दे हैव टू गिव द डिटेल फॉर सिक्योरिटी क्लियरेंस किस सेम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से लाइक योर क्रेडिट वर्द एज द पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द कंपनी एंड द अदर इन फैक्ट अदर आपके फ्रॉड्स एंड डिफॉल्ट वाली सिचुएशन जो है फॉर दैट पर्पज यू हैव टू टेक द सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये कहा गया है

उन लोगों को आगे अब बिड लगाने के लिए बोली लगाने के लिए दे हैव टू टेक द सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने डिक्लेयर कर दिया कि 60.75, पॉइंट परसेंट का ये डाइवेस्टमेंट करेंगे तो वाइल इन्वाइटिंग ई ओ आइज ईओ आईज आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है फ्रॉम द बिडर्स डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक पब्लिक एसेड मैनेजमेंट सेड इंटरेस्टेड पार्टीज हु क्लियर द फिट एंड प्रोपर by RBI and security clearance by government or Ministry of Health of Home Affairs shall be notified as the qualified interested parties. Now, what are the qualified interested parties? Kya hai qualified interested parties? So, when we talk about the qualified interested parties, that is simple. You have heard about QIP, you have heard about QIB as well. तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट आपका किया जाता है इन द कैपिटल मार्केट जहाँ पे आपका शेयर्स जो है वो इशू किए जाते हैं और द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ओनली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स आपके रजिस्टर्ड बायर्स होते हैं रेपोटेड बायर्स होते हैं दोज हु गॉट परमिशन फ्रॉम द सेबी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अलाउ है इन द कैपिटल मार्केट आप शेयर्स यहाँ पे खरीद सकते हो लाइक बैंक्स हैं 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 फाइनेंशियल ऑल दीज आर द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ठीक है सो दे हैव द परमिशन टू पार्टिसिपेट इन द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इसी तरीके से यहां पर आपका क्वालिफाइड इंटरेस्टेड पार्टीज बनाया गया क्वालिफाइड इंटरेस्टेड पार्टीज की कंडीशन हैं द कंडीशन इज दैट फर्स्ट आपको पास होना पड़ेगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आप वहां से पास हो चुके हो तो सेकेंड आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस से पास होना पड़ेगा दैट इज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अगर आप वहां से पास हो चुके हैं देन यू विल बी नोन एज क्वालिफाइड इंटरेस्टेड पार्टीज एंड देन आप परचेस कर पाएंगे द शेयर्स ऑफ द सिंपल हु आई डी बी आई बैंक तो ही आप शेयर्स परचेस कर पाएंगे अदरवाइज नहीं कर पाएंगे तो आरबीआई के फिट एंड प्रॉपर कंडीशन जो इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट था सेकेंड आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने के बाद जितनी भी पार्टीज बनती हैं दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द शेयर होल्डिंग ऑफ द आई डीबीआई बैंक दे कैन पार्टिसिपेट इन द डिसमेंट ऑफ आई डीबीआई बैंक ठीक है गुड मॉर्निंग अतुल चलिए आगे बढ़ते हैं ना ओनली अब यहाँ पे आगे क्या बोला गया ओनली क्वालिफाइड इंटरेस्टेड पार्टी टू दूस ऑफ आई डीबीआई बैंक फॉर ड्यू डेलिजेंस फॉर फॉलोइंग विच दे पुट इन फाइनेशियल बर्ड्स देखो ड्यू डेलिजेंस क्या होता है जस्ट टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी थिंग लाइक यू आर हैविंग अ इंपेक्शन यू आर हैविंग अ ऑडिट यू आर ट्राइंग टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कंपनी दैट इज ड्यू डेलिजेंस है इंस्पेक्शन आप कर रहे हो दैट इट इज करेक्ट और नॉट एक्सेट्रा सो क्वालिफाइड इंटरेस्टेड पार्टी जो है उन्हीं को एक्सेस मिलेगा डेटा रूम ऑफ आई का और वो ड्यू डेलिजेंस यहाँ पर कर सकते हैं इंस्पेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल बिट लगाने के लिए ठीक है सो द इंटरेस्टेड पार्टीज एंड इट्स डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स होल्डिंग मोर देन टेन परसेंट और विच एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस विल हैव टू सबमिट अ सेल्फ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग वेदर दे आर सब्जेक्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोसीडिंग्स अंडर द पब्लिक सेफ्टी एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट सो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन विच चार्ज शीट ज बीन फिल्ड इन इंडिया और एनी अदर फॉरिन कंट्री ओके डायरेक्टर्स जो हैं है, या फिर उनके शेयर होल्डर्स जो हैं, जो होल्ड कर रहे हैं मोर देन टेन परसेंट कैपिटल लाइक कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स है, है holding, वो होल्ड मोर देन टेन परसेंट शेयर होल्डिंग वो एक्सरसाइज कर रहे हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को उनको सबमिट करना होगा सेल्फ डिक्लेरेशन किसके रिगार्डिंग whether they are subject to preventive detention proceedings under the public safety act or national security act criminal investigation in which charge sheet has been filed in india or any other country so they have to show anna, they have to show that they are not the part of that particular national security act ya criminal investigation ke andar unka naam kahin par bhi charge sheet mein na aaya ho. It means they have to show their worthiness that they are not fraud, they are not doing anything wrong, or they haven't done anything wrong in any other country. Okay. So, last date for putting the bids is December 16. The interested parties and each number of consortium would have to give a declaration or make a detailed disclosure on order pending investigation proceeding by any court and regulatory authority while submitting the EOI. तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि लास्ट डेट आपका जो बिट लगाने का है बोली लगाने का है वो 16th है वो ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी और हर एक मेंबर को है ना मेंबर ऑफ द कंसोटियम कंसोडियम मीन्स ग्रुप की ग्रुप में जो आपकी पार्टीज हैं दे हैव टू गिव डिक्लेरेशन उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और दे हैव टू गिव द डिटेल डिस्क्लोजर किसको लेकर ऑन दे ऑर्डर वो दे रहे हैं पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन जो उनका है प्रोसीडिंग बाई एनी कोर्ट जो आपका चल रहा है रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू आपका प्रोसीडिंग हैव टू गिडी पार्टी ठीक है साथ ही में दे है नो इन्वेस्टिगेशन बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी पेंडिंग आई अदर अगेंस्ट देम और अगेस्ट एनी एसोसिएट कंपनी और अगेंस्ट एनी ऑफ द डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और अदर की मैनेजर पर्सनल इसी के बाद यहां पर यह भी कहा गया है कि आपकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है लाइक आर बी आई रेगुलेटरी अथॉरिटी तो जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी आपके वहाँ पे आता है उसकी तरफ से आपको एक और डिटेल डिस्क्रिप्शन डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि किसी भी टाइप का पैंडिंग जो है वो अवेलेबल नहीं है लेकिन कोई भी पैंडिंग नहीं है आपके ट्रांजेक्शन्स में सी की डायरेक्टर्स की आपके मैनेजरियल पर्सोनल्स की एसोसिएट कंपनीज की आपकी खुद की कंपनी का सबका इन्वेस्टिगेशन डन हो चुका है दैट हैज़ टू बी गिवन इन द डिस्क्लोजर

the tribunals which helps us to rectify the NPA situation if you have regarding case in NCLT or NCLAT it means you have defaulted from the bank you have not the bank loan and you comes under the substandard doubtful or loss asset category of a NPA so there we have disclosure company that is, have no pending cases in the NCLT or NCLAT ठीक है लाइक सिंपल क्या हो गया आप क्रेडिट वर्दिनेस जानने की कोशिश कर रहे हो कंपनी की कंपनी की मार्केट वैल्यू जानने की कोशिश कर रहे हो कंपनी फ्रॉड या डिफॉल्ट तो नहीं है कंपनी के लोन अकाउंट एन में तो नहीं पड़े हुए हैं ये सब जानने की कोशिश कर उसी के बाद यू विल अलाउ की ठीक है आप आई को खरीद सकते हो शेयर्स खरीद सकते हो बिकॉज अगर कोई कंपनी ऑलरेडी क्रेडिट वर्दीनेस में नहीं है ऑलरेडी लॉस में चल रहा है तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो आई को सक्सेसफुल कर पाएगा दैट्स वाई ये सारी कंडीशंस लगाई गई हैं। Atul, there is no uh, buffering because I have already opened another particular session in which I am continuously checking that buffering is happening So, there is no buffering. Okay, ek bar, se start the close the session and se start again and do check your internet connectivity. Chali. Now, in the case of Central Electronics Limited, the government has terminated the sale of 100% stake and disqualified the successful bidder that is Nandan Finance and Leasing Private Limited. सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की हम बात करें तो गवर्नमेंट ने टर्मिनेट कर, uh, कर दिया है आपका सेल ऑफ हंड्रेड परसेंट स्टेक है ना डिस्कालीफाई कर दिया है बिडर को बिडर कौन था आपका नंदलाल फाइनेंस एंड द लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड नाउ इन केस ऑफ द पवन हंस स्ट्राटेजिक सेल ऑल्सो द पेंडिंग एनसीएल केस अगेंस्ट द एलमस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड एसपीसी द लीड मेंबर ऑफ द विनिंग बिडर कंसोटियम वॉज नॉट डिस्कलोज एट द टाइम ऑफ पुटिंग इट बिट्स तो आपके यहाँ पे बिड के टाइम पे दे हैव सेड गिवन अस द डिस्क्लोजर कि उनका पेंडिंग केस चल रहा है एनसीएलटी में तो इनकी बिड को भी आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया तो आरबीआई हैज रिजेक्टेड द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बिड एंड आल्सो द आपका पवन हंस से स्ट्राटेजिक सेल ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात करते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेक्स्ट न्यूज दैट इज गुजरात मोदेरा एज इंडिया ट्वेंटी 24 इंटू सेवन सोलर पावर्ड विज क्या बन चुका है 24 फोर इंटू सेवन इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज बन चुका है गुजरात मोदेरा सो अर्लियर इन द डे द प्राइम मिनिस्टर हैड लेड द फाउंडेशन स्टोन एंड डेडिकेटेड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपए थर्टी नाइन हंड्रेड करोड इन मोदेरा मेहनसाना इन गुजरात प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी और नाइन्थ अक्टूबर डिक्लेयर मोदेरा इन द गुजरात महसाना डिस्ट्रिक्ट एज द इंडिया फोर इंटू सोलर पावर्ड विलेज नाउ दिस इज दाइंड ऑफ न्यूज लाइनर में पूछा जा सकता है कौन सी पर्टिकुलर विलेज है जो फर्स्ट ट्वेंटी फोर इंटू सेवन सोलर पावर विलेज मिला है ठीक है अच्छा मुझे यह बताओ क्या ये सोलर एनर्जी जो है इज अ पार्ट ऑफ पीएसएल द सोलर एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ पी एस एल और नॉट यह आपका सोलर एनर्जी प्रायरटी सेक्टर लैंडिंग का पार्ट है या नहीं है ये आपको बताना है जी इज अ पार्ट ऑफ पी एस एल ऑन नॉट तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है एड्रेसिंग अ रैली मिस्टर पी एम से न्यू एनर्जी ऑफ डेवलपमेंट है मैसाना एंड द होल ऑफ द नॉर्थ गुजरात फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी वाटर टू रोड एंड रेल मेनी प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू डेरी स्किल डेवलपमेंट हेल्थ केयर हैव बीन इनाग्रेटेड एंड फाउंडेशन स्टोर है थर्टी नाइन हंड्रेड है ना थर्टी नाइन हंड्रेड करोड का फंड दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के डेवलपमेंट में यहाँ पर तो ही मोदेरा वॉज नोन एज द सन फॉर द सन टेम्पल नाउ इट विल ऑल्सो भी नोन एज दोलर पावर विलेज है ना ये अभी तक सन टेम्पल के नाम से जाना जाता था नाउ इट विल भी नोन एज द सोलर पावर विलेज जो की पहली ट्वेंटी फोर इंटू सेवन है So making Modera the country's first round-the-clock solar power village involved developing a ground-mounted solar power plant and more than thirteen hundred rooftop solar system on residential and government bidding and a government release. And I add a government release. आर्डियन इन द डे मिस्टर मोदी ने यहाँ पे थर्टी नाइन हंड्रेड करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात करो विजिटेड द मुदाश्वरी माता टेम्पल इन मुदेरा परफॉर्म दर्शन पूजा। असेंबली इलेक्शन इन पार्टी रूल गुजरात आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ठीक है यस पी एस एल के अंदर आपका सोलर एनर्जी आता है पीएसएल के अंदर टोटल आपके, आपके एट सेक्टर्स आते हैं हाउ मेनी सेक्टर्स आर देर इन दी एस एल आपके टोटल एट सेक्टर्स है पी एस एल के अंदर दीज आर द प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग सेक्टर्स ठीक है, में आपका रीनेबल एनर्जी आता है एंड रीन एनर्जी में आपका सोलर एनर्जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑप्शन यहाँ पर लाइन किया है एनपीए का कितने अमाउंट का सेवन हंड्रेड फोर्टी सिक्स करोड़ का इन अक्टूबर नवंबर मंथ तो एस बी आई विल ऑप्शन वट इज एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेड दो बैंक की वो एसिड जो अपना बैंक के लिए इनकम जनरेट करना सीज कर चुका है बंद कर चुका है वी नो बैंक लोन क्यों बांटते हैं बैंक लोन बांटते हैं ताकि इंटरेस्ट कमा सके द प्राइमरी फंक्शन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बैंक इज टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड यूज दिस डिपॉजिट एज अ इन्वेस्टमेंट और लोन पर्पज दिस इज द प्राइमरी फंक्शन अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट को किसी भी फर्म को बैंक डिक्लेयर करना चाहते हो तो आप कैसे डिक्लेयर करोगे आप डिक्लेयर करोगे पहली कंडीशन कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया हो फ्रॉम द पब्लिक नॉट फ्रॉम द मेंबर निधि कंपनी की तरह नहीं होना चाहिए कि अपने ही ही मेंबर से पैसा लिया, अपने ही पैसा लिया मेंबर्स को लोन के रूप में दे दिया नो फर्स्ट कंडीशन जो आपको फुलफिल करना है दैट कंडीशन इज कि आपका पहला पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट होना चाहिए और उस डिपॉजिट को यूज किया होना चाहिए लोन बांटने में इन्वेस्टमेंट करने में दिस इज द कंडीशन ऑफ द दैंक प्राइमरी फंक्शन और हमें पता है कि बैंक डिपॉजिट ले रहा है तो लोन तो बांटेगा पर वो लोन क्यों बांटता है टू तो जनरेट इनकम इंटरेस्ट कमाने के लिए और वही इनकम आनी अगर बंद हो जाती है 90 days, so, आपका सेल कर देगा एनपीए का ठीक है एनपीए किसके है या आपके किसको बेच रहा है एसेड रिकन्स्ट्रक्शन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक और नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर दिस मंथ एंड नेक्स्ट टू रिकवर द सेवन हंड्रेड फोर्टी सिक्स करोड्स इतना कैपिटल रिकवर करेगा एस बी आई बाई सेल ऑफ द एनपीए एनपीए का सेल करने का मतलब है आपने जो सिक्योरिटी गिरवी रखी थी वहाँ पे लोन बांटते वक्त उसकी सेल आप करोगे तो अकाउंट्स ऑफ सिंटेक्स बी ए पी एल विद द आउटस्टैंडिंग ऑफ वन हंड्रेड नाइनटी सेवन पॉइंट सेवन फोर करोड नाव वी हैव सूरत हजीरा एन एच सिक्स टोल वे प्राइवेट लिमिटेड एक्सपोजर इज थ्री हंड्रेड थर्टी फाइव पॉइंट फोर करोड़ नेक्स्ट दैट इज ऑफ ट्वेंटी पॉइंट ट्वेंटी करोड़ विल बी इंक्लूडेड इन द ऑप्शन ऑफ एन पी ए इनका भी ऑप्शन किया जाएगा इतना इतना एनपीए इनका बना हुआ है तो एन बी ए ऑप्शन कर रहा है टू यम ए आर सी फाइनेंशियल एनोसिएशन बैंक एन बी एस सीज द ऑप्शन इज शेड्यूल्ड फॉर द फोर्थ नवेंबर सो द एस बी आई हेज सेट दैट सिंटेक्स ओनली ए आर सी आर एलिजिबल इन दिन एज इट इज अ फ्रॉड अकाउंट है ना इन द केस ऑफ सिंटेक्स बी ए पी एल ये क्या है आपका फ्रॉड अकाउंट है ना तो किया जाएगा आपका उसमें सिर्फ एआरसी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको बनाया गया है बैंक से उनके एनपीए को खरीद कर मार्केट में बेच के अपने प्रॉफिट कमाने के लिए तो एआरसी का काम है बैंक के एनपीए को कम करना ठीक है ना बैंक गारंटी ऑफ सिक्स पॉइंट टेन करोड इज इंक्लूडेड इन द आउटस्टैंडिंग ऑफ 197.74 करोड़ द कंपनीज बिजनेस इज मैनुफेक्चरिंग इंजेक्शन मॉड्यूल्ड प्लास्टिक कंपोनेंट्स फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तो यहाँ पे बैंक गारंटी इंक्लूड किया गया है का इज बैंक बैंक गारंटी गारंटी आपका सीईओ बीई के अंदर आता है ना वॉट इज सीईओ बी आप जब पी एस एल पढ़ते हो जब आप पी एस एल पढ़ते हो तो आपको याद होगा वहां पे आप पढ़ते हो परसेंटेज ऑफ ए एंड बी सी और द सीईओ बीई परसेंटेज ऑफ ए एन बी सी और सी बी विच एवर इज हायर ये पढ़ा है ना आप लोगों ने पी में विच एवर इज कि इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा उसका परसेंटेज पी के रूप में लोन में दिया जाएगा तो बैंक गारंटी आपका पार्ट है क्रेडिट इक्वलेंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स का किसका पार्ट है सीईओ बी का एक्चुअल में सीईओ बी आपकी किसी भी बैंक की एसेट या लाइबिलिटी को कवर नहीं करता सीईओ बीई सिर्फ उन एसेट्स को उन सर्विसेज को कवर करता है जो बैंक्स के लिए इनकम जनरेट करते हैं यानी कि वो चीजें जो जनरेट करता है इनकम फॉर द बैंक देट जनरेट फी इनकम फॉर द बैंक विल बी पार्ट ऑफ यू वो इसके पार्ट कहलाएंगे है ना वो किसके पार्ट कहलाएंगे आपके सिंपल सीईओ बी का पार्ट यहाँ पे कहलाएगा जो जनरेट कर रहा है इनकम लाइक वी हैव बैंक गारंटी लाइक वी हैव लेटर ऑफ क्रेडिट ठीक है तो यहाँ पे बैंक गारंटी क्या होता है जहां पे बैंक गारंटी देता है किसी कस्टमर का कि अगर बोरओवर ने पेमेंट नहीं किया तो डोंट वरी आई एम गोइंग टू पे इन बिहाफ ऑफ बोर और बैंक गारंटी एक्टिव सिर्फ कब होता है बैंक गारंटी एक्टिव होता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट और फ्रॉड कि अगर आपके बायर ने मना कर दिया कि मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूं ओनली इन दैट कंडीशन बैंक गारंटी आपका एक्टिव होगा अदरवाइज एक्टिव नहीं रहेगा डू रिमेंबर दैट

23.82 crores and third will be agrawal's polytrade that is 15 crores so your october 31st ko in october ka trading on 4th of november ko aapka in teenon ka trading hoga that was date has been given by the rba it means the auction hoga properties ko auction now a very important and very good news for the country is that life expectancy to hit by hit 82 by 2020 uh, sorry by 2100 एज पर देशन एस्टिमेट तो इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंडिया सो द लाइफ एक्सपेक्टेंसीड एज रिजल्ट ऑफ न्यूमरस मेडिकल एंड हेल्थ केयर एडवाड एडवांसमेंट तो अगर आपकी कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है इट डिनोट की आपकी कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है आपकी कंट्री में मेडिकल सर्विसेज बेटर हो रही है इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी नाइनटीन फिफ्टी वॉज थर्टी फाइव पॉइंट टू वन ओनली देख रहे हो सिर्फ कितना था ट्वेंटी थर्टी फाइव ईयर्स का आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुआ करता था जो कि ट्वेंटी वन हंड्रेड तक पहुंच जाएगा एटी वन पॉइंट नाइन सिक्स हो जाएगा नोटर दट इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इज सेवेंटी इन वन फिफ्टी ईयर्स इंडियाज इंप्रूवमेंट विल बी सेवेंटी फिफ्टी सेवन परसेंट इफ वी गो बायमेट्स ये आगने वाले वन फिफ्टी ईयर्स में हम फिफ्टी सेवन परसेंट का ग्रोथ कर जाएंगे है ना और ये एस्टिमेट्स का कहना है अभी कितना है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2022 में 70.19 डू रिमेंबर दिस दिसा एंड डू रिमेंबर दिस की कि 2011 तक सॉरी 2100 तक आपका 81.96 होगा और 2022 में वी हैव 70.19 ओके नेक्स्ट आगे बात करते हैं व्हाट इज सेइंग जस्ट टू पुट इनटू इट्स पर्सपेक्टिव द सेम फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी 23% तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर यूएस वाज 68.33 1950 में और अभी आपका 79 हमारा कितना है 70 है यूएस का कितना है सेवेंटी है एंड इन फ्यूचर टू थाउजेंड ट्वेंटी तक 88 हो जाएगा हमारा 81 होगा तो चाइना ऑन द अदर हैंड हैज़ शोन कंसिस्टेंस इंप्रूवमेंट जस्ट लाइक इंडिया वेल चाइना इस लाइफ एक्सपेक्टेंसी नाइनटीन में फोर्टी था अब आपका एटी हो चुका है सॉरी uh, एटी हो जाएगा कब तक आपका Uh, by the year 2100, or kiss growth rate rates, 50.5%. Ra so over the year, increased medical care, better diets, and healthier, healthier lives have all contributed to the higher life expectancy. Okay, aapka life expectancy. Ko badha hai. So people have access to clean water, antibiotics, vaccines, and food. This is more plentiful and nutritious. People are also more aware about the benefits, exercise, and wise lifestyle decisions. now the life expectancy has improved as a result of numerous medical and healthcare advancement the creation of vaccination is one of the most crucial millions of people died every year from the disease like smallpox and polio before immunization were developed so in many regions of the world vaccinations have been have eradicated certain diseases significantly lowering mortality rate वर्ल्ड बैंक अच्छा अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में पोलियो को खत्म करने में सबसे बड़ा रोल है हमारे वर्ल्ड बैंक का किसका है सबसे बड़ा रोल वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा रोल है बिकॉज वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को पोलियो फ्री करने में हेल्प किया था एंड दैट वॉज है ईयर टू थाउजेंड टेन ठीक है सो यहाँ पे सर्टिन कंट्रीज ऐसे जैसे आगे अभी हम बात करें कोविड पैंडेमिक चल रहा है ना तो वी आर प्रोड्यूसिंग द कोविड वैक्सीन हम कोविड का वैक्सीन अभी भी बना रहे हैं है ना बिकॉज वी नो ये अभी एक्टिव है ये वायरस एक्टिव है इन द वर्ल्ड वाइड तो वी आर मेकिंग द वैक्सीन्स पर कुछ कंट्रीज लाइक like अगर हम यू एस की बात करें डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें ये कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत सारे एपिडेमिक आकर जा चुके हैं ऐसे वायरसेस जो खत्म हो चुके हैं बहुत सारे पैंडमिक जो ऐसे वायरसेस हैं जो खत्म हो चुके हैं स्टिल एवरी ईयर दे प्रोड्यूसर्टेन अमाउंट ऑफ दोज वैक्सीन्स ऑल्सो उन वैक्सीन का प्रोडक्शन ये अभी भी करते हैं जबकि वो वायरसेस खत्म हुए को कई साल हो चुके हैं द रीजन बिहाइंड इट कि अगर अचानक से कहीं पे वो वायरस एक्टिव होता है और वो पैंडेमिक में कन्वर्ट होने से पहले जब वो एपिडेमिक में रहेगा तभी हम उसको कंट्रोल कर सकें तो दिस इज वॉट दिस इज आपका हेल्थ केयर सर्विसेज को और बेहतर करना और इम्प्रूव करना या फिर हम बोलते हैं कि सर्वाइव करवाने के लिए पहले से प्रोएक्टिव रहना हम हैं रिएक्टिव पर्सन बट वी हैव टू बिकम प्रो एक्टिव तो आपका हेल्थ सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल केयर जब बहुत अच्छा हो जाता है दैट रिप्रेजेंट्स यू ये रिप्रेजेंट करता है आपको कि कितना बेहतर आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा एंड क्योंकि इंडिया का हेल्थ सेक्टर प्रॉपरली क्या कर रहा है ग्रोथ कर रहा है दैट्स वाई वी आर से एटी वन परसेंट लाइफ एक्सपेक्टेशन हो सकती है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो सकती है हमारी ठीक है अब देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने का मतलब ये भी होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बेटर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर भी आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेकर आते हो तो so, बहुत सारे इंडिकेटर्स जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ऐड करेंगे दैट विल बी बेटर इन द कंट्री ठीक है चलिए नाउ इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू देखो सेबी का बैच ट्वेंटी स्टार्ट हो चुका है यू ऑलरेडी नो आरबीआई का बैच नाइनटीन को स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी नो एक और इन्फॉर्मेशन द फाउंडेशन थर्ड बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सेवनटीन्थ ऑफ अक्टूबर तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक आपका आरबीआई ज्वाइन नहीं किया है बट दे आर गोइंग टू गिव द एग्जाम

17th है ना सेवनटीन अक्टूबर से ई एस आई यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है एंड द सेवनटीन अक्टूबर यहाँ पे भी हम ई एस आई को स्टार्ट कर देंगे सो दीज आर दू बजे ई एस आई आपका एक साथ स्टार्ट होगा एंड द लेटेस्ट बैचेस सेवनटीन अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है सो इफ द कैंडिडेट यू हैव नॉट अ पेड बैच यट तो आप ज्वाइन करो न्यू बैच को सो so दैट सारी क्लासेस आपको लाइव स्टार्टिंग से मिल पाएंगे आपको रिकॉर्डेड के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा ठीक okay? है So, to enroll in any of the beach batch, you can use a code Y343. By using uh, this code, you will get 78% discount from the website and the application. Now, Mahapacks are also available if you are RBI, SEBI, NABAT, sabki regulatory bodies. Ki preparation ho. So, you can go with the bank Mahapack Plus. The prices are little high here. But by using the code Y343, again you will get 78% discount. And all live classes, all paid batches.

इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन लास्ट बट नॉट द लीज इफ यू आर न्यू ट चैनल डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेलाइकन ताकि सभी सेशंस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे ठीक है चलिए तो मिलते हैं शाम को